नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरे। आजकल 73वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तीनों सेनाओं के जांबाज कदमताल करते हुए काफी वक्त से जी जान से इस परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। और इस बीच सोशल मीडिया पर इन तीनों भारतीय नेवी के जवानों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेवी के जवान राजपथ पर 26 जनवरी की रिहर्सल परेड के दौरान मोनिका ओ माई डार्लिंग सॉन्ग गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्मी गाने की धुन पर झूमते जवानों के इस वायरल वीडियो का आलम यह है कि इसने सभी का दिल जीत लिया है। गणतंत्र दिवस की तैयारी, गले में तब्दील हुई दिल्ली, रिहर्सल में फिल्मी गाने पर झूमे जवान। जवानों का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो ने जीता दिल। जोश हाई है। छब्बीस जनवरी 2022 को देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और हर साल की तरह इस बार भी राजपथ पर सेना के शौर्य का प्रदर्शन होगा और हमारी तीनों सेनाओं के जाबाज कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हमारे जवान काफी वक्त से इस परेड की रिहर्सल में जुटे हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने आए नेवी के जवानों की एक टुकड़ी का वीडियो वायरल है। आलम यह है कि इस वायरल वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। इस वीडियो में विजय चौक पर इंडियन नेवी के जवान रिहर्सल के बाद बैंड की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नेवी के जवान किस तरह रिहर्सल की थकान मिटाने के लिए 70 के पुराने गाने की धुन पर झूम रहे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड के दौरान भारतीय नौसेना के बैंड ने कुछ पुराने बॉलीवुड गानों की धुन बजाई। वायरल हुए वीडियो में नौसेना के बैंड को मोनिका ओ माई डार्लिंग गाने की धुन बजाते हुए सुना जा रहा है। इस गाने को मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन ने अपने संगीत से सजाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जवान जिस गाने पर थिरक रहे हैं, दरअसल वो साल 2010 में आई फिल्म वन सपन ए टाइम इन मुंबई का गीत पर्दा पर्दा है। रिहर्सल के दौरान जवान अपनी थकान मिटाने के लिए इस गाने पर थिरक रहे हैं और ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आलम यह है कि रिहर्सल के दौरान जवान जिस मुस्तैदी और जोश के साथ इस गाने पर थिरक रहे हैं, उससे ये बात भी जाहिर होती है कि जवानों के अंदर जोश कितना हाई है। गणतंत्र दिवस पर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन राजपथ पर तो जरूर दिखेगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी का असर इस बार के गणतंत्र दिवस पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव किए गए। मसलन ये परेड कुल 90 मिनट तक होती है। परेड रायसेना हिल से शुरू होती है और राजपथ इंडिया गेट के रास्ते लाल किले पर समाप्त होती है। वैसे तो ये परेड 8 किलोमीटर की होती है, लेकिन इस बार ये 3.3 किलोमीटर की ही होगी।
परेड की शुरुआत हर साल 26 जनवरी की सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देर से शुरू होगी, यानी इस बार परेड 10:30 बजे शुरू होगी। 75 सालों में यह पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस की परेड देर से शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत इस साल कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा के कारण देर से होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस बार राजपथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस के परेड में 75 विमानों के साथ सबसे बड़ा फ्लाईपास्ट नजर आएगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इस बार का फ्लाईपास्ट सबसे शानदार रहने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के 75 विमान करतब दिखाएंगे। वायुसेना के मुताबिक इस बार पूरा देश दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने की कुव्वत रखने वाले अपने नए हथियार, विमान और नई सैन्य शक्ति को देखेगा। वायुसेना के मुताबिक परेड में देशवासियों को भारतीय नौसेना के राफेल, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान देखने को मिलेंगे। यही नहीं, वायुसेना गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर अपनी झांकी भी प्रस्तुत करेगी और अपना दमखम भी दिखाएगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी। निगरानी के लिए 300 CCTV कैमरे लगाए गए। इन CCTV कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाए गए। इस सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डेटाबेस है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के चलते इस बार सिर्फ 4,000 टिकट ही मिलेंगे और 7,000 से 8,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत होगी। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ही गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी। छब्बीस जनवरी को 73वें रिपब्लिक डे परेड के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं। हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस ने इस बार भी ट्रैफिक रूट्स में कई बदलाव किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर किसी को 23 जनवरी या 26 जनवरी तक की सुबह घर से निकलना है तो वो पहले रूट डाइवर्जन के बारे में जानकारी जरूर ले लें। इसके अलावा 26 जनवरी को राजपथ पर परेड देखने पहुंचने वाले लोगों के लिए भी दिल्ली पुलिस ने पार्किंग की अलग व्यवस्था की है। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किए कई रूट्स में बदलाव। 25 जनवरी की रात से शुरू हो जाएंगी पाबंदियां। 26 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हमेशा की तरह इस बार भी परेड विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ से इंडिया गेट होते हुए सी हेक्सागन तक पहुंचेगी। तमाम मार्चिंग दस्ते इंडिया गेट के आगे नेशनल स्टेडियम तक जाएंगे, जबकि झांकियां हमेशा की तरह इसके आगे तिलक मार्ग होते हुए लाल किले तक जाएंगी। लिहाजा हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक रूट्स में कई बदलाव किए। इसके अलावा कोरोना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस परेड देखने आने वाले मेहमानों की तादाद को और कम कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जहां पिछली बार करीब 25,000 लोग राजपथ पर परेड देखने के लिए पहुंचे थे, उनकी तादाद इस बार 7,000 से 8,000 के करीब ही होगी। इस बार परेड भी वही लोग देख सकेंगे जिन्हें या तो पास मिला है या फिर जिन्होंने टिकट लिया है। इस बार टिकट्स दिए गए हैं, कुछ जो उन्होंने MOD ने टिकट्स दिए हैं तो उनको तो गाड़ी के साथ लेबल उनको भी दिया जाएगा तो उनको अलाउ किया जाएगा, बट जनरल पब्लिक के लिए इस बार नहीं अलाउड है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बार मार्चिंग दस्ते का रूट 8.3 किलोमीटर से कम करके 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है। ये परेड का जो रूट होता था पहले लगभग 8.3 किलोमीटर होता था, जो कि पूरा मार्चिंग कंटिजेंट्स भी रेड फोर्ट पर पहुंचते थे। अब वो 3.3 शायद रह गया, 3.3 किलोमीटर रह गया और लगभग 5 किलोमीटर का वो मार्चिंग कंटिजेंट्स के लिए कम कर दिया गया है। लेकिन टेबलाउज पहले की तरह ही रहेंगे और वो रेड फोर्ट ही जाएंगे। और जो आपने दर्शकों के बारे में बताया, तो इनवाइट्स का एग्जैक्ट नंबर अभी हमें नहीं ऑफिशियली हुआ है कम्युनिकेट, तो जैसे ही होगा आप लोगों को बता देंगे, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। दिल्ली पुलिस ने 23 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड की होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी की परेड को लेकर ट्रैफिक रूट्स में कई बदलाव किए। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को परेड के दौरान कई मेट्रो स्टेशन भी बंद रखे जाएंगे। 25 जनवरी की शाम 6 बजे से विजय चौक और राजपथ से इंडिया गेट की तरफ 26 जनवरी की परेड पूरा होने तक ट्रैफिक बंद रहेगा। 25 जनवरी की रात की 11 बजे के बाद राजपथ पर मौजूद हर क्रॉसिंग भी बंद कर दी जाएगी। सी हेक्सागन इंडिया गेट पर ट्रैफिक 25 जनवरी की रात 2 बजे से परेड पूरा होने तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये प्रतिबंध इंडिया गेट से तिलक मार्ग की तरफ भी रहेगा। 26 जनवरी की सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग से लेकर सुभाष मार्ग तक दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रैफिक को परेड पूरा होने तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मेट्रो स्टेशंस में जो दो तो सुबह 5 बजे से इसमें बोर्डिंग डीबोर्डिंग अलाउ नहीं करी जाएगी, वो तो एक तो केंद्रीय सचिवालय और दूसरा उद्योग भवन, इन दो पर सुबह 5 बजे के बाद बोर्डिंग डीबोर्डिंग दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ की जाएगी। इसके बाद 3 अन्य हैं जो कि लोक कल्याण मार्ग है, एक ITO है और तीसरा जो लोक कल्याण मार्ग है एक ITO और एक पटेल चौक, ये इन तीन पर प्रातः 8:45 के बाद से दोपहर 12:30 बजे तक नहीं अलाउ किया जाएगा बोर्डिंग। इसके अलावा 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए भी दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट्स में कुछ बदलाव किए। 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 22 जनवरी की शाम 6 बजे से राजपथ से विजय चौक के आसपास ट्रैफिक बंद रहेगा। ये प्रतिबंध 22 जनवरी की शाम 6 बजे से 23 जनवरी को परेड पूरा होने तक रहेगा। राजपथ पर रात 11 बजे तक कुछ जगहों पर क्रॉस ट्रैफिक अलाउ रहेगा। सी हेक्सागन इंडिया गेट 23 जनवरी की सुबह 10:20 से परेड पूरी होने तक बंद रहेगा। यही प्रतिबंध 26 जनवरी को भी लागू रहेंगे। डिजाइनेटेड पार्किंग लॉट्स में उनकी गाड़ियां जाएंगी और जो 8 से 11 हैं वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के जो हैं वो नॉर्थ ऑफ राजपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर पहुंचकर फिर वहां से अपने अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स में प्रवेश करेंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैफिक के बारे के, रेस्ट्रिक्शंस वो आपको जानकारी है, उसको डिटेल्ड आपको एडवाइजरी मिल जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिन यात्रियों को नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली या फिर साउथ से नॉर्थ दिल्ली जाना हो, वो रिंग रोड से आश्रम चौक होते हुए सराय काले खां और IP फ्लाईओवर राजघाट रिंग रोड ले सकते हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली के लिए जाने वाले लोग रिंग रोड, भैरव रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड से, अरबिंदो मार्ग से, एम्स चौराहे से रिंग रोड होते हुए धौलाकुआं पहुंच सकते हैं। उसके बाद वो शंकर रोड से मंदिर मार्ग होते हुए आगे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अगर किसी को 23 जनवरी या 26 जनवरी की सुबह घर से निकलना है तो वो पहले रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी जरूर ले लें। अगर किसी को नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो उसे डायवर्जन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 22 की रात भी करते हैं और 25 की रात भी करते हैं और इसमें 10 बजे रात्रि से हम लोग दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ट्रैफिक पुलिस का भी स्टाफ रहेगा और लोकल पुलिस की भी हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगी। मेट्रो को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मेट्रो ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन के मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट के 23 जनवरी की सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। 26 जनवरी के दिन भी केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन के मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा लोकनायक मार्ग और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन भी सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। 25 तारीख की शाम को 6 बजे से विजय चौक की तरफ हम जनरल ट्रैफिक जो है नहीं अलाउ करेंगे 25 तारीख की शाम को 6 बजे से। उसके बाद रात्रि के 11 बजे के बाद आपको ये जो राजपथ के 3 रोड जो है क्रॉस करती हैं, एक है रफी मार्ग, दूसरा है जनपथ और तीसरा है मानसिंह रोड, इनके ऊपर रात्रि 11 बजे के पश्चात से जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। सी हेक्सागन पर 26 तारीख की सुबह 2 बजे के पश्चात जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ करेगा।
दिल्ली की सभी बॉर्डर पर 25 जनवरी की रात 10 बजे से हैवी कमर्शियल व्हीकल या दूसरे कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये पाबंदी 26 जनवरी के दिन परेड के पूरा होने तक लागू रहेगी। इसके अलावा 26 जनवरी के दिन जो मेहमान राजपथ पर परेड देखने पहुंचेंगे, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने पार्किंग की अलग व्यवस्था की। उस दिन किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए पार्किंग के लिए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरीके के स्टिकर भी जारी किए हैं। इसके अलावा जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें किस तरफ जाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है। ऐलान इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाने का। इंडिया गेट पर अब जल्द ही नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगेगी और तब तक असली मूर्ति नहीं लग जाती तब तक वहां पर लोगों को नेताजी की एक होलोग्राफिक प्रतिमा नजर आएगी। नेताजी की इस 3D मूर्ति को लगाने के लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी का ऐतिहासिक ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की मूर्ति, पराक्रम दिवस पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण, 23 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे अनावरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो एक नाम, वो एक शख्सियत, वो एक आजादी के मतवाले, देश की आजादी की लड़ाई में जिनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 23 जनवरी को पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा। उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि हर साल उनकी जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी, और इस बार इस खास मौके को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक और ऐतिहासिक फैसले से और भी खास बना दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि भारत के सपूत और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नव निर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया, ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया, इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नेताजी की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी होगी। ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा वहां लग नहीं जाती तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा लगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी 2022 शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस होलोग्राम प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके लिए एक 90% पारदर्शी अदृश्य हाई गेन होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह लगाया गया है कि वो देखने वालों को नजर नहीं आएगी। इसी होलोग्राफिक स्क्रीन पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि 26 जनवरी का जो समारोह है वो जो कि 24 जनवरी से शुरू होता था अब उसे 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन से शुरू किया जाए, और उसी दिन यानी कि 23 तारीख को अब प्रधानमंत्री एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं देश को जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। आप ये सामने की कैनोपी देख रहे हैं, इस कैनोपी में बीचों बीच जो है एक बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की यहाँ लगाई जाएगी। इस बार स्वतंत्र भारत के 75 साल के इतिहास में पहला मौका है कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी 23 जनवरी यानी नेताजी की जयंती दिवस से की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने के ऐलान के बाद नेताजी के परिवार ने उनके इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। On January 23rd, Netaji
would have his 125th birth anniversary. For this occasion, the Prime Minister, Sri Narendra Modi, announced today that he would have a statue of Netaji put up at India Gate. I'm very happy to hear that Netaji's statue should be put up in a prominent place in Delhi. नेताजी के भतीजे अर्धेंदु बोस का कहना है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। The Prime Minister has taken a decision to place Netaji's statue there, which is a tremendous amount of importance that he's giving to the memory of Netaji, which means a lot. Means a lot that he and the government think a lot about Netaji. नेताजी की प्रतिमा उस मंडप में स्थापित की जाएगी जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। 23 जनवरी को खुद पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को एक समारोह में सम्मानित करेंगे। इस समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सच तो ये है कि इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला यकीनन ऐतिहासिक है, जो इस साल के गणतंत्र दिवस के समारोह को